हल्का शकीबाग अल्ले पंजा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार जनाब सरदार जावेद अफरीन अब्बासी का तहे दिल से मशहूर हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला और हमें इज्जत बख्शी। मैं जानता हूँ कि आपको टिकट बहुत मुख्तसर वक्त था आपके पास। जब आपको टिकट मिला हल्का शकीबाग के अंदर सियासी हरीफ तकरीबन निसब से ज्यादा हल्का विजिट कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद आपने हिम्मत मरदा, आपने अल्लाह पे तवक्कुल किया और आपने कमर कस ली। अल्लाह ताला के फजल करम से आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुस्तहकम है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मजबूत है और अल्लाह ताला के फजल करम से तमाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नदियाती कारकुनान उनकी जाने भी आपके लिए हाजिर है। हम इंशाल्लाह ताला दिलो जान से आपके साथ खड़े हैं और आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह ताला 25 जुलाई आप सुरखरू होंगे। हम आपके मैंडेट के ऊपर किसी को डाका डालने नहीं देंगे। आपके साथ तशरीफ फरमा तमाम मेहमान ने ग्रामी जनाब सरदार अफीर साहब, जनाब अतीक साहब और तमाम लोग जिनके मैं नाम ले सकता हूँ, जिन्हें मैं जानता हूँ नहीं जानता, मैं तमाम को मशहूर हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। मैं कुछ ज्यादा लंबी छोटी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन दिल के अंदर कुछ दो चार बातें हैं वो आपके सामने कायदे मोहतरम रखना चाहता हूँ। जब आपको टिकट मिला तो हल्के के अंदर एक लहर दौड़ा दी गई कि क्या पता जावेद साहब का दस्तबरदार होना पड़ेगा, इसलिए आप किसी थर्ड पर्सन को सपोर्ट करें, आपके फायदे की बात है। मुझे भी रिक्वेस्ट आई, मेरी पूरी टीम को रिक्वेस्ट आई, हमें बार बार रब्ता किया गया, लेकिन अल्लाह ताला का फजल करम से हमें आपकी शख्सियत में, हमें आपकी काबिलियत में, हमें आपकी वफा पे जो आपने अरसा 20 साल तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ वफा निभाई, इंशाल्लाह ताला उसका सिला आपको 25 जुलाई को इंशाल्लाह मिलेगा। हम जानते हैं कि आप जिस जस्तुदू से आपने जो जस्तुदू की, आपने जो मेहनत की, आपने पार्टी के साथ जो वफादारी की, आपने 12 टिकट के लिए अप्लाई किया, लेकिन वक्त की जरूरत के मुताबिक आला की आदत ने जो भी फैसला किया आपने हमेशा तहे दिल से उसको कबूल किया और जिस कैंडिडेट को भी टिकट मिला आप सच्चे दिल से दिलो जान से हाजिर रहे, उसकी कंप्लेन भी की, आपने पार्टी के अंदर कोई दरार नहीं डाली, आप पार्टी के साथ वफादारी निभाते रहे क्योंकि आप एक वफादार वालिद के फर्जंद हैं, हमें याद है। कायदे मोहतरम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक वफा आपने पार्टी के अंदर निभाई, एक वफा आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ निभाई, एक वफा मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मेरी टीम पिंडाल के अंदर बैठे हुए तमाम नौजवान मेरे बुजुर्ग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तमाम वोटर 25 जुलाई को एक वफा आपके साथ निभाएंगे। हमें आपकी क्यादत पे, हमें आपकी क्यादत पे अपने आप से ज्यादा भरोसा है। हम आपके मैंडेट की हर सूरत हिफाजत करेंगे यहाँ, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर मुस्लिम लोग वही बैठे हुए हैं कि जो अपने रोजगार की वजह से यहाँ पे शिफ्ट हैं। तो हमने क्योंकि मेन पर्पज इस मीटिंग का ये था कि हल्का शक्तिबाग का जो अपर सिविल सलमान पुलिस स्टेशन है उसके हवाले से हम तुम शामिल करना चाहते थे, उसके लिए आपको इन्वाइट किया था, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से आपके जाने वाले काफिलों की तरह यहाँ पे आए जो कर जो आए और आपको वेलकम किया। इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह 25 जुलाई तक आपके साथ आपके पुश्तीबान बनकर खड़े रहेंगे, इंशाल्लाह ताला आपके मैंडेट की हिफाजत करेंगे, इंशाल्लाह ताला अपने सदों के अंदर किसी गुजरे को घुसने नहीं देंगे। हम अल्लाह ताला के फजल करम से कल भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नजरियाती लोग थे, आज भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नजरियाती लोग हैं। कायदे मोहतरम, अगर कभी ऐसा मौका आता कि आपको आला की आदत की तरफ से कोई भी ऐसी ऑफर आती, कोई ऐसी पेशकश की जाती, तो मैं कसम उठा के कहता हूँ कि जो आपका फैसला होता हम सारे आपके पीछे चलने वाले होते, क्योंकि आपने जो पार्टी के अंदर वफा की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। यहाँ इस टाइम में रिसेंटली देखा गया कि कल जो लोग आपके साथ चलने वाले थे, मैं किसी पर तनकीद तो नहीं करता, लेकिन ये बात करनी जरूरी है कि आज टिकट न मिलने की वजह से उन्होंने अपने सियासी प्रिविलेज
चेंज कर दिए। हम अल्लाह ताला के फजल करम से मुस्लिम कांग्रेस के कारकुन हैं, हम सरदार अतीक अहमद खान के कारकुन हैं, हम सरदार जावेद अली साहब के कारकुन हैं, हम मुजाहिद अव्वल सरदार अजहर कयूम खान के कारकुन हैं। इंशाल्लाह ताला हम वो नहीं जो रात को नूनिये सोए और सुबह उठे तो यूथिये बन चुके थे। हमें आप पे भी फख्र है, आप शुरू दिन से मुस्लिम कांग्रेस के साथ तय दिल से दिलो जान से आपने वर्किंग की। अल्लाह ताला ने आपको उसका सिला दिया। कायदे मोहतरम, हम ये बखूबी जानते हैं कि आपको ये टिकट प्लेट के अंदर डाल के नहीं दिया गया। इसके पीछे आपकी सियासी जद्दोजहद है, इसके पीछे आपकी कामशें हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों को पहचान लीजिए, इनके चेहरे देख लीजिए, ये आप पहचाने वाले हैं, ये मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हैं। आपने कल जब इलेक्शन के बाद हमारा हम आपके साथ सिर्फ 25 जुलाई तक नहीं है, हम अल्लाह ताला के फजल करम से उस टाइम तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे कि जब तक आप MLA बन के आजाद कश्मीर की कानून साल असेंबली के अंदर नहीं चले जाते। हम कटने वाले नहीं है, हम अल्लाह ताला इस कारवां को बढ़ाते जाएंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से जहाँ भी शकीबा के अंदर हमारे तलक वाले लोग मौजूद हैं, हम सबको इंशाल्लाह ताला रिक्वेस्ट भी करते हैं, हम रिकॉल भी करते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ चंद लोग बैठे हैं, आपके चाहने वाले शर्की के अंदर किसी तादाद में मौजूद हैं। 25 जुलाई को इंशाल्लाह ताला इसका फैसला हो जाएगा। कायदे मोहतरम, क्योंकि वक्त की किल्लत है, आपने भी जाना है, तो मैं बगैर किसी तारीफ के आपको स्टेज पर इन्वाइट करता हूँ। अपने कायदे मोहतरम का भरपूर इस्तकबाल कीजिए। आप हल्का शक्ति बाग की जान है, आप फर्जंदे दलील हैं। नारायण 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 मुर्शद, नारायण मुर्शद, नारायण।